हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, भाइयों, बहनों और सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, आदाब। हमारा आज का टॉपिक जो है ये एंकलोसिस में होम्योपैथी दवाइयों की क्या अप्रोच होती है। होम्योपैथी दवाइयाँ हम एंकलोसिस में क्या देख कर देते हैं, ये उस पर आधारित है। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मगर जैसे जैसे मुझे पेशेंट अपने प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, कोई मुझे कह रहा है डॉक्टर साहब मैंने एक साल कहीं से दवा खाई मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने दो साल दवा खाई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। देखो, जो लोग होम्योपैथी में दवा खा रहे हैं और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, उसमें प्रमुख कारण ये है जो दवा का चुनाव है वो उनका ठीक नहीं है। उसमें होम्योपैथी की गलती नहीं है, इसमें होम्योपैथ की गलती है जो गलत दवाइयाँ यूज़ करते हैं। यहाँ हम एक अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे जिसमें कि एक डॉक्टर ने सिम्फाइटम दवा दे दी। अब सिम्फाइटम दवा तो हड्डियाँ जोड़ने की दवा है। देखो, एंकालोसिस में भगवान ही हड्डियों को जोर से ज़्यादा जोड़ रहा है, ऑस्टियोफाइट बन रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो मैं उस वीडियो का यहाँ लिंक दूंगा जिसमें मैंने आपको ऑस्टियोफाइट्स के बारे में बताया है। तो अगर आप कोई दवा खा रहे हो जिससे ऑस्टियोफाइट बनना रुकने की जगह ज़्यादा बने, जैसे कि जो डॉक्टर सिम्फाइटम को एडवाइस करते हैं या सिम्फाइटम दवा देते हैं, तो आपको वो डॉक्टर क्या फ़ायदा दे सकेंगे। अब एंकलोसिस को ठीक करने के लिए HLA-B27 को जानना जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर HLA-B27 की वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा HLA-B27 कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का जीन है जिस जीन की वजह से आपको बीमारी हो रही है, जो कि आपको बैम्बू स्पाइन की तरफ लेकर जा रही है। एंकलोसिस में जितना रोल आपकी दवा का है, होम्योपैथी दवा का है, उतना ही रोल डाइट का भी है। अगर आप देखो तो मैंने डाइट पर दो वीडियो बनाई हैं, वो दो वीडियो के लिंक हम आपको आई के आइकॉन में देंगे। आपको ये वीडियो कम से कम 4 से 5 बार देखनी चाहिए ताकि आपको समझ आए कि होम्योपैथी में आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए दवाइयों के साथ जो आपको कारगर हो। अब जो डॉक्टर्स को कम नॉलेज है वो घिसा पिटा कह देते हैं आपने प्याज नहीं खाना, आपने लहसुन नहीं खाना, आपने इत्र नहीं लगाना, आपने कपूर से दूर रहना है। देखो, साइंटिफिकली इन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं है। बीमारी के हिसाब से हम खाना पीना निर्धारित करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको प्याज और लहसुन छोड़ना पड़े, यहाँ ज़रूरत है साइंटिफिक तौर से चलने की। एक एंकलोसिस को मरीज को ज़रूरत क्या है, एक अच्छी डाइट की, एक नियमित व्यायाम की डेली, और अपना एक अच्छी दवा की। अब दवा पर हम आ रहे हैं, होम्योपैथी दवा का चुनाव होता है आपके लक्षण पर। देखो, कई लोगों को देखो एंकलोसिस की दर्द होती है सुबह सुबह, कईयों को दोपहर में ज़्यादा होती है, कईयों को शाम को ज़्यादा होती है, वहीं कईयों को एंकलोसिस की दर्द होती है नेक में, कईयों को अपना लोअर स्पाइन में, कईयों को छाती के बीच में होती है। अब कईयों को ये पेन होती है अपना हड्डियों में, जैसे छाती की हड्डियाँ, रिब्स में, कईयों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आइज़ में, कईयों को होती है उंगलियों में हाथों की, कईयों को पाँव की उंगलियों में, डक्टाइटिस में। इन सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि आपका एंकलोसिस नियंत्रित है अनियंत्रित है, उसकी वीडियो हमने बनाई है, वो भी हम आइकॉन में आपको लिंक दे रहे हैं। अब क्या है, जो जो आप सिम्टम बताते हो ये होम्योपैथी में होते हैं रूब्रिक्स, जैसे बैक पेन, बैक में दर्द होना, ये भी एक रूब्रिक है। बैक पेन, पेन कैसी है, स्टिफनेस की, ये सडन है, इंटरमिटेंट है, आती जाती है कि एकदम होती है और जाती है, तो उसके हिसाब से हम ये सभी जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं इनको कंप्यूटराइज एनालाइज करते हैं। उन रूब्रिक्स को जब हम एनालाइज करते हैं हमारे पास एक दवा निकल कर आती है, वहाँ हम वो एक दवा पेशेंट को देते हैं, उसके साथ कुछ एक या दो सपोर्टिंग मेडिसिन दे सकते हैं। मगर कई बार हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, अब लास्ट प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास इस हफ्ते आया है, उस डॉक्टर ने एक पेशेंट को एक साल तक 45 दवाइयाँ खिलाई, जब 45 दवाइयाँ एक साल खाकर वो बच्चा ठीक नहीं हुआ और बेड रिटर्न हो गया, तो उसी डॉक्टर ने उसको
60 दवाइयां दे रहे हैं। एक पेशेंट को 60 दवाइयां देने एक मोरली और एथिकली दोनों ही रॉन्ग है। ना ये किसी को करना चाहिए, ना ऐसी दवा किसी को लेनी चाहिए। इस वीडियो का सिर्फ यही बनाने का कारण है कि लोग होम्योपैथी दवाइयां ले रहे हैं मगर बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं। अगर आप अच्छे डॉक्टर को सुनो, वो इसीलिए होम्योपैथी दवाइयों के नाम नहीं बताते, क्योंकि एक पेशेंट को अगर दवा का नाम जान ले तो वही सभी पेशेंट दवा लेनी शुरू कर देंगे, जिसका फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर हैनेमैन, जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया, उन्होंने कभी भी केस स्टडीज पब्लिश नहीं की। उन्होंने कहा अगर मैं केस स्टडीज पब्लिश कर दूंगा तो सभी डॉक्टर हेडेक में और सिर दर्द में एक ही दवा देनी शुरू कर देंगे, वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जो तो देखो छोटी मानसिकता वाले डॉक्टर हैं, वो आपको कहेंगे जी आपको हम रामबाण दवाई बताएंगे, हम आपको 5 सबसे बड़ी दवाइयाँ बताएंगे। कभी भी किसी बीमारी में 5 सबसे बड़ी दवाइयाँ नहीं होती, या कोई रामबाण दवा नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि कोई भी बीमारी की रामबाण दवा मुझे मालूम है, मैं आपको बताऊंगा और उस रामबाण दवा से आप ठीक हो जाओगे। जब हम किसी भी पेशेंट को लेते हैं, हम पेशेंट का सारा डिटेल लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, उसके माँ बाप की हिस्ट्री लेते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं। आज भी मेरे पास पेशेंट आया, उसकी हिस्ट्री में से यंग एज में जुकाम रहता था, जब उसका जुकाम अपने आप ठीक हो गया उसके बाद एनकलोसिस हो गया। अगर बचपन में उसका जुकाम जो ऑटोइम्यून डिजीज़ था उसको सही टाइम पर सही कर दिया जाता, वो उसका रूट कॉज था, तो वो ठीक हो जाता। वैसे ही आज एक और पेशेंट एनकलोसिस का था, उसका जो रूट कॉज था उसका पेट खराब था, IBS था, उसे कब्जी बहुत पुरानी थी, बचपन से कब्जी थी। अगर उसका IBS टाइम से बचपन में ठीक कर दिया जाता तो उसको एनकलोसिस नहीं होना था। तो अगर आप जब तक उसकी जड़ नहीं ढूंढोगे बीमारी की, तब तक आप उस बीमारी को होने से नहीं रोक सकते। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है, आप सबसे पहले जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर से सबसे पहले उसका जानो कि वो एनकलोसिस के बारे में जानता भी है, क्योंकि हर होम्योपैथी डॉक्टर एनकलोसिस की दवा नहीं दे सकता, क्योंकि एनकलोसिस की तो जानकारी अभी डॉक्टर्स को है ही नहीं, अच्छे अच्छे MBBS MD डॉक्टर्स को नहीं है। तो हर होम्योपैथ से आप दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग कमेंट में डाल देते हैं डॉक्टर साहब मैंने 6 महीने किसी से दवा खाई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखो मैं कभी ये नहीं कहता कि बाकियों से 6 महीने दवा खाओ वो आपको ठीक करेंगे, मे बी उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, क्योंकि एक शहर में हो सकता है उन्होंने पूरी ज़िंदगी में 5 पेशेंट देखे हैं। हमारे पास डेली का 5-6 पेशेंट आ जाता है, 10 भी आ जाता है, तो एक्सपीरियंस सब कुछ मैटर करता है। जब तक आप किसी विशेष वर्ग के पेशेंट देखोगे नहीं, उनको ठीक नहीं करोगे, तब तक वो ज्ञान आप तक आएगा नहीं। अगर मैं हर पेशेंट को देखता हूँ, हर पेशेंट से हमें कुछ सीखने को मिलता है। ज़िंदगी सीखना और सिखाने का नाम है। अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल डॉक्टर से मिलकर सीखोगे नहीं, तब तक आप ठीक नहीं होगे। और अगर आप डॉक्टर से दवा लेते हो, ये डॉक्टर का भी कर्तव्य है, ये आपका भी कर्तव्य है, आप हर महीने अपना CRP ESR यूरिक एसिड चेक कराओ। ऐसा नहीं कि आप 8-8, 10-10 महीने दवा खाते रहो, आपको कोई डॉक्टर कहे जी ये होम्योपैथी स्लो होती है, आपने 10-10 महीने टेस्ट नहीं कराने। देखो हमारे इधर पेशेंट को फ़ायदा कम हो ज़्यादा हो, हर महीने हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। अगर ब्लड टेस्ट में कोई चीज़ बढ़े तो हमारा उसमें ध्यान होता है, उसको कम करना है, और अगर वो दोबारा बढ़े तो पेशेंट को पूछना पड़ता है क्या कारण है। जैसे रिसेंटली एक पेशेंट का थोड़ा सा CRP बढ़ा, मैंने उसे पूछा क्या किया, तो उसने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब किसी शादी में गया था, मैंने थोड़े दिन ड्रिंक कर लिया था। तो मैंने उसको समझाया सेहत कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाने में तो एक शादी और एक थोड़े दिन की दारू बर्बाद कर देगी। तो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप अच्छा चलना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को ध्यान देते हो, मैं ज़्यादा गौर इस पर रखता हूँ कि पेशेंट को ठीक करके उनकी वीडियो डालनी है। एनकलोसिस की एक के बाद वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बाकी रही दवाओं की बात, ये मैंने जो वीडियो है इमरजेंसी में बनाई है, क्योंकि कल जो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आया, एक पेशेंट को 60 दवाइयाँ किसी ने लिख दी थी, वो मुझे बहुत हर्ट करी। मैंने कहा लोगों को बताया जाए कि आप इस तरह दवाइयाँ मत लो। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक मैं होम्योपैथी मेडिसिन एनकलोसिस में कौन सी यूज़ होती हैं और कैसे हम उसको तैयार करते हैं उसके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। मगर आप इस वीडियो के जरिए ये जानिए
कि आपने अगर होम्योपैथी दवा भी लेनी है, आप अच्छे डॉक्टर से लो जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, सर थोड़ी सी साइंटिफिक नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि किसी भी रिटायर्ड डॉक्टर से ले लो, कहीं भी आप गुरुद्वारे से ले लो, मंदिर से ले लो, जिस व्यक्ति का आपकी तरफ ध्यान ही ना हो। आपको डॉक्टर वो चाहिए जो आपको 100% दे सके, और आपने भी अपना 100% डॉक्टर को देना है, क्योंकि एक तरफ से काम करके कभी भी कोई पेशेंट ठीक होता नहीं है। जो कल और परसों मैंने वीडियो डाली थी, जो लास्ट वीडियो है टेस्टिमोनियल वाली, उस पेशेंट का CRP यूरिक एसिड बहुत हाई था। मैं उसका यहाँ पर क्लिप डालूंगा, अब देखना उसका अभी नॉर्मल हो गया है। तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट दोनों की मेहनत चलती है। मैं ये नहीं कहता मैंने अकेले नहीं किया, उसने भी किया, मैंने भी किया। आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए होम्योपैथी मेडिसिन की वीडियो लेकर आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीक मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो, मगर मैं आपको एक प्रार्थना करता हूँ, आपने उसमें जो भी मैं दवाइयाँ बताऊँगा आपने उसका मिस यूज़ नहीं करना। जैसे कि आज का जो प्रिस्क्रिप्शन में डाला है उसने टोटली मिस यूज़ किया है दवाइयों का। 60 दवाइयाँ एक पेशेंट को देना किसी तरफ की ना इंसानियत है। इसमें पेशेंट की भी उतनी गलती है जितनी डॉक्टर की गलती है, दोनों लोगों की इसमें गलती है। बाय।